हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेटेंट व्यू के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत हाइलाइट्स, फिर आते हैं चार्ट्स पे और फिर हम लोग देखेंगे कि किन लेवल्स पे यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। कंपनी आईटी सेक्टर से है तो बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग बहुत समय से पिछले एक महीने से भी जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर पे हम लोग फिलहाल थोड़े से बुलिश हैं। देखो रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे ये भी मेनली है। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिटर्न बन रहे हैं अभी आईटी सेक्टर के अंदर, यहाँ पे जो जून क्वार्टर का रिजल्ट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा फ्लैटिश देखने को मिला है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं गिर रही। जब मार्केट, ये चीज़ आप लोग याद रखना, जब मार्केट एक बुलिश जोन में होती है तो वहाँ पे बेकार न्यूज़ आती है या ओके न्यूज़ आती है तो वो स्टॉक को गिराती नहीं है, और जब बेरिश मार्केट में कोई गुड न्यूज़ भी आती है तो वहाँ से कंपनी गिरती है, वो बढ़ ही नहीं पाती है। तो ये एक साइन होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक बुलिश टेरिटरी में स्टेप कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे ना आने के बावजूद भी स्टॉक्स नहीं गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग डेफिनेटली एक बुलिश जोन में एंटर कर रहे हैं यहाँ से, और मार्केट यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब मार्केट को पता है कि इन कमिंग टाइम नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, इसलिए यहाँ पे फॉल देखने के लिए ड्रास्टिकली नहीं मिल रहा है। नहीं तो अभी यही चीज़ आप लोग दो क्वार्टर पहले होते ऐसे रिजल्ट आ जाते तो कंपनी 5-5% गिर रही होती। अभी यहाँ पे 5% नहीं, मतलब फिर भी 2-3% से लेके 5% के आसपास इजीली गिर जाती है ऐसे फ्लैटिश रिजल्ट आते। तो अब यहाँ पे स्टॉक की पी देखोगे 50 की है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, उल्टा बोल दिया हमने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आईटी सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी लो है यहाँ पे। अगर 20-25% की होती तो अच्छी होती यहाँ पे। ऑल्दो अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर अगर चलेगा तो जितने स्टॉक हैं ए टू जेड सारे साथ में चलेंगे। अब कंपनी की यहाँ पे देखा जाए डेट तो यहाँ पे 21 की है, रिजर्व्स कंपनी ने अच्छे खासे मेंटेन करके रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी इंक्रीमेंट आ रहा है। मार्जिन की भी बात की जाए तो मार्जिन यहाँ पे थोड़े से कम हुए, लेकिन एक तरह से ओवरऑल आप लोग कह सकते हो कि स्टेबल फॉर्म में है। अब यहाँ पे नीचे आओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, एफआईज की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, डीआईज की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग देखने के नहीं मिल रहा है। लेकिन आते हैं चार्ट्स पे, चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है वहीं पे आपको लेकर जाती है दोबारा। मतलब यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट है वो 749 के मिल सकता है। लंबे पीरियड के लिए अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो एक अच्छा आपके लिए डिसेंट ये टारगेट हो सकता है। उससे पहला टारगेट आपका होगा एन वाले लेवल्स का 541 का। बाइंग कब करेंगे आप लोग, बाइंग करेंगे सिंपल आप लोग इस वाले लेवल पर भी बाय कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले लेवल को मार्क कर लेना ताकि यहाँ से रिजेक्शन ना ले। सारे लेवल्स आप लोग सिस्टम पे मार्क करोगे तो कम से कम पता रहेगा कि चांसेस कहाँ से हैं रिजेक्शन लेने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाओगे। अब यहाँ पे देखा जाए आप लोग 416 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिंपल बाय करो और छोड़ के बैठ जाओ कंपनी को कुछ समय के लिए और आराम से शो देखो। यहाँ से अगर आप लोग बाय करते हो इन वाले लेवल से तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका रिटर्न बनेगा कुछ नहीं तो 90% के आसपास, लेकिन इस पे आपको टाइम लगेगा। 90% आपको एक महीना एक हफ्ते में नहीं मिलेगा, हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है 7 महीना लगे, हो सकता है 8 महीना, हो सकता है 1 साल लग जाए। 90% रिटर्न एक अच्छा रिजल्ट होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा। पहला टारगेट आपका लेकिन बेशक 514 का हो सकता है। जो स्विंग ट्रेडर्स है वो इन वाले लेवल्स को टारगेट लेके चल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 35% के आसपास का। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।